इधर हो जाओ थोड़ा सा चेतन भैया, इधर हो जाओ आप थोड़ी सी, इधर हो जाओ पीछे, हो जाओ पीछे थोड़ी सी, चेतन भैया थोड़ा आगे और आओ, इधर आगे आओ, वेरी गुड। चलिए शुरू कीजिए। आप सबसे पहले दीदी आप भैया को टिक्का लगाओ, थाली पर कर लो थोड़ा सा टिक्का लगाओ आप, वेरी गुड, ताली बजा दो भाई, ठीक है टिक्का लगा दिया। चलो दोनों देखो मेरी तरफ, स्माइल करो। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं अगली प्रक्रिया, अब आप इसमें से राखी देखो, राखी कौन सी वाली बंद होगी अपने भैया को, जो तुम्हें अच्छी लग रही है वो उठा लो, ये वाली, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सिलेक्शन इसका। और भैया के हाथ में थाली इधर रख दो, वेरी गुड, सीधा हाथ, और अपने भैया के बांध दो। चलिए भाई तालियां बजा दो, छोटी बच्ची है और ये खुशी दीदी है ना, इसकी सहायता करेगी राखी बंधवाने में। खुशी दीदी जाएंगी प्राची दीदी के साथ मिलकर, यह बांध दी उसने भाई, वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बस बस इतना ही बांध दो, कोई बात नहीं, इसके इतना ही काफ़ी है। चलिए अब भैया को मीठा खिला दो, मीठा रखा ना उसमें, खिला दो सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, और थाली यहीं रख दो, खिलाओ भैया को, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो भाई। अब जो बचा आप दीदी को खिलाओ अपनी को, सब बस थाली थोड़ी सीधी कर दो, ठीक है कभी गिर जाए, वेरी गुड, मजा आ रहा। अब इसके बाद दीदी हाँ खा लो पहले आराम से। चलो अब पैसे रखे होंगे इसमें, वो भैया को 11 रुपये दे दो, हाँ भाई भैया देगा, सॉरी भैया आप दे दो दीदी को, ए चलो ठीक है, हैप्पी रक्षाबंधन तो बोल दो, अब इसका तो मुंह भर गया, तुम सब बोल लो भाई एक बार, दूसरा जोड़ा भी आ जाओ जो गया था अभी राखी बंधवा के, वो भी आ जाओ उसके इनके पास, यहीं खड़ा हो जाओ, सिर पे हाथ रख दो, दीदी छोटी है ना तुम्हारी, और जोड़ी सलामत रहे, इसके साथ आ जाओ इधर बराबर में, तुम भी आ जाओ, दोनों भाई बहन का जोड़ा जो भी है साथ साथ आ जाओ, सारे चारों के चारों, तुम भी बराबर में चारों इस पर आओ बोर्ड के सामने, दो आ चुके हैं, तीसरी भी और हो थोड़ा सा और हो, चलिए एक बार और बोल दो सबको, चारों के चारों भैया को बोल दो, थैंक यू तो बोल दो, बोलो थैंक यू, आपको भी, आप सबको भी, आप सबको, तो आप सभी बच्चों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खूब हंसी खुशी से मनाना, और खूब प्यार प्यार से अपने भैया को राखी बांधना, और भगवान से प्रार्थना करना, जिनके यहाँ भैया नहीं है कि भगवान उन्हें भैया दे, और जिनके यहाँ बहन नहीं है वो उम्मीद करना और प्रार्थना करना कि उन्हें बहन दे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।